हनुमान जी की चोट टेढ़ी हुई थी, हनुमान जी को नाम मिला था हनुमान। हनुमान इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था हनुमान जी के ऊपर और मेघनाथ ने इंद्र को जीत लिया था। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दोनों का इंद्र से संबंध है, दोनों महागजराज हैं, भिड़े हैं, भिड़े जुगल मानो गज राजा। तब मुट्ठी का मारी चढ़ा तरुजाई और ताही एक छन मुरुछाई। हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार किया है और इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत एक क्षण के लिए घूम करके पृथ्वी पर अचेत होकर के गिर पड़ा। जो इंद्रजीत था उसकी ये दशा हुई जिसके ऊपर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था उनके एक मुष्टिका के प्रहार पर। और तब बाबा कहते हैं कि मेघनाथ उठा है, उठी बहोरी की नसी बहु माया, अब इंद्रजीत के पास जो सबसे बढ़िया असलहा था उस असलहा का प्रयोग किया है, ब्रह्मास्त्र का। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र से साधा और तब कपिमन कीन विचार, हनुमान जी ने मन में विचार किया कि जो न ब्रह्म सर मानो महिमा मिटे अपार। क्यों? क्योंकि हनुमान जी को ये आशीष मिल चुका है कि कोई भी अस्त्र का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। लेकिन तब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा बची रहे, ब्रह्म पास की महिमा बची रहे, इसके लिए हनुमान जी ने पास में बंधना स्वीकार किया। जब बंधे हैं गए हैं, भगवती शंकर भगवान शंकर भगवती को चरित सुना रहे हैं, कहते भगवती व्यास नाम जब सुनो भवानी, भव बंधन काटे नर ज्ञानी। जिसके नाम की ये महिमा है कि भव का बंधन समाप्त हो जाता है, उसके दूत को कौन बांध सकता है। हो ये तो केवल प्रभु कारज के लिए बंधे। हनुमान जी को रावण के दरबार में लाया जाता है, रावण से हनुमान जी का बहुत सुंदर संवाद होता है। समय कम है, 4:32 हो रहा है। ठाकुर जी को युद्ध भी करवाना है, भी रावण को भी मारना है और राम जी को राजा बनाना है। इसलिए हम जाता है रावण और हनुमान जी के मध्य में बहुत पावन संवाद होता है, बहुत सुंदर संवाद। हनुमान जी ने मानो चेला को समझाने का बहुत यत्न किया है, लेकिन चेला मानने को तैयार नहीं है वो दोनों कीमत पर। अब तो ये बात है कि चेला तो गुरु को मारने पर आमादा हो गया, प्राण दंड की तैयारी शुरू हो गई। तब तक विभीषण जी पहुंच गए। विभीषण जी ने मानो अपने भाई के धर्म का अनुपालन करना शुरू किया जो हनुमान जी ने कर्तव्य किया था। विभीषण कहते हैं कि राजन ठीक है, दूत है ना, तो दूत को मारा नहीं जाता। ठीक है, अगर इसने उत्पात किया है तो इसको दंड दे दे। अब दंड पर विचार शुरू हो गए। ठीक है, ने सोचा कि भाई विभीषण है, सचिव है हमारे, विभीषण सचिव भी थे, तो ठीक है करके एक विचार पर, प्रस्ताव पर विचार किया जाए। मंत्रिमंडल बैठा है और मंत्रिमंडल में विचार हुआ कि क्या किया जाए, तो अंत में निष्कर्ष आया कि पूंछ पर कपड़ा लपेट करके तेल लगा करके और आग लगा दी जाए। क्यों? कपिके ममता पूंछ पर सबई कहो समझाए, तेल बोर पर बांध पुनी पावक देव लगाए। हे हे, पूंछ पर तो सबको सबको अपने पूंछ की चिंता है, केवल बनरेक नहीं है। जिसके पूछ नहीं है उसको सबसे ज्यादा पूछ की चिंता। आप पहुंच जाओ समाज में और कोई न मिले अभिवादन, ये नहीं किया हो, हाले नहीं पूछा।
मानो संकेत करते हैं कि हे कोई कुछ तुम्हारी क्षमा नहीं कर पाएगा। हाँ एक काम कर ले जाओ, हे सबसे बड़ी पूछ इनकी है, इनसे बड़ी पूछ ब्रह्मांड में किसी की नहीं है, इसलिए अगर इनकी पूछ पकड़ ले जाओ तो संसार में तुम्हारी पूछ सबसे बड़ी हो जाएगी। यही सूत्र है। अब हम तो माई बाप नहीं पकड़ लिए, पकड़ नहीं लिए, ये पकड़ा ही देते हैं। हाँ अरे कोशिश तो कर, ये हमको अपना पूछ दे दिए कि तुम पकड़े रहना। माई बाप अगर हम जैसा इतना पूछवान हो सकता है तो मैं तो ये मानता हूँ कि हमसे श्रेष्ठ सब सब। इसलिए अगर पूछ को बरकरार रखना है तो बस केवल ये कई सूत्र है, लगाओगे सवाल तुरंत हल, चाहे 5 नंबर का पूछा जाए चाहे 3 नंबर का, यह तो कम नहीं होगा, 2.5 वाले 4 नहीं मिलेगा, पूरा मिलेगा। हाँ हनुमान जी की पूछ में निर्णय कर लिया है कि तेल को पट को लपेट करके, और पट उसको कहते हैं जो कपड़े का पुराने थान का या वस्त्र का या साड़ी का धोती का जो पुराना हो जाता है, जिसको फाड़ करके अलग कर दिया जाता है, कई टुकड़े कर दिए जाते हैं, उसको पट कहते हैं। तो हनुमान जी की पूछ ने लंका में, अब हनुमान जी का पूछ भाई ये हुआ, उसको हनुमान जी को लेकर के सब चले ढोल नफी बजाते हुए, लड़के मजा ले रहे थे, तब कोई ढेला मारे तो चुटकी काटे, कोई भूखे मार दे, हनुमान जी का ठीक है चलो भाई आज हम तुम्हारे बंदर में जो चाहो सही करो। तो अब हनुमान जी क्या पूछ कमाल करना शुरू किया, तो पूछ फैलती चली गई, लोग कपड़ा लपेटते चले गए, तेल बांधते डालते चले गए, अंत में जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई तैसे हनुमान जी छोटा रूप बनाए, अब छलांग लगाए और चढ़े कनक की अटारी पर। बाबा कहते हैं कि हरि प्रेरित ते अवसर चले मरुत उनचास, अक्ठ हास कर गरिजा और कपि बड़ लाज। 50 मरुत गढ़ है और अग्नि के कुल में भी 49 मेंबर है। अब मरुदगढ़ की कथा सुनाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, इसलिए जानिए आज यहीं पर, फिर कब को जब बड़ी पूंछ वाले का पूंछ पकड़ो, जब वो चाहेगा तब फिर इनकी चर्चा की जाएगी पूंछ पर, है ना। ये लगाए हैं 49 प्रकार के जितने मरुदगण हैं माई बाप, सब आ गए लंका में, और 49 प्रकार की अग्नि भी पूरे अपसी टीम समेत सब तैयारी में रहे, मौका मिले बस सब पहुंचे हैं और सबने अपना काम शुरू किया है। और बाबा कहते हैं कि उलटी पलटी लंका सब जान, फिनिश में कुछ चकाचक के आए, तब जल रहा था बुझावे कहां, तो गए समुद्र में गोता लगाए हैं, पूछ को बुझाए हैं और कहते हैं कि पूछ बुझाई खोई श्रम और धारी लघु रूप बहो, और जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जोर। हनुमान जी जब लंका जलाए तब लघु रूप में आए, इतना विशाल काम किए लघु रूप में आ गए, अब माँ के सामने भी फिर अति लघु रूप में आए, 5 बार सीता अन्वेषण के क्रम में हनुमान जी ने लघु रूप का आश्रय लिया, इसके बाद हनुमान जी का रूप कहीं लघु नहीं हुआ। पढ़िएगा रामायण सब लोग, और फिर हम आएंगे किसी दिन
आएंगे बीच में, कब वो मौका मिलेगा जब आएंगे, बताइएगा कि पांच के बाद भी हुआ था, चार रहे या छह।